और इस बीच बड़ी खबर बता दें, अखिलेश और इंटी गठबंधन की बड़ी मुश्किलें। और आपको बता दें कि अपना दल कमेरावादी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और ये 3 सीट कौन सी है आपको बता दें, फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान यहां पर अपना दल कमेरावादी ने किया है। वही एसपी ने भी मिर्जापुर से उम्मीदवार उतारा है। और आपको बता दें कि उम्मीदवार का नाम राजेंद्र सिंह बिंद होगा। और यहां पर उम्मीदवार के तौर पर सपा ने राजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए, एक ही सीट पर इंडी गठबंधन में किस तरीके से रार देखने को मिल रही है। गठबंधन की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपना दल कमेरावादी ने भी यहां पर अपना प्रत्याशी उतारा है, साथ ही साथ सपा ने भी अपना प्रत्याशी इसी सीट पर उतारा है। 3 सीट पर कहीं ना कहीं अपना दल कमेरावादी ने ऐलान किया था, जिसमें से फूलपुर सीट एक शामिल है, इसके साथ साथ मिर्जापुर एक सीट शामिल है। और साथ ही साथ इस पूरी सूची में आपको बता दें कि जो 3 सीट है उनमें से एक यहां पर सीट जो है वो साफ हो पाई है, जिस सीट में कहीं ना कहीं कौशाम्बी का भी जिक्र किया गया है। तो एक ही सीट पर इंडी गठबंधन के बीच किस तरीके से यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसका क्या तोड़ होगा। ये अपना दल कमेरावादी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और ये 3 सीट कौन सी है आपको बता दें, फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान यहां पर अपना दल कमेरावादी ने किया है। वही एसपी ने भी मिर्जापुर से उम्मीदवार उतारा है। और आपको बता दें कि उम्मीदवार का नाम राजेंद्र सिंह बिंद होगा। और यहां पर उम्मीदवार के तौर पर सपा ने राजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए, एक ही सीट पर इंडी गठबंधन में किस तरीके से रार देखने को मिल रही है। गठबंधन की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपना दल कमेरावादी ने भी यहां पर अपना प्रत्याशी उतारा है, साथ ही साथ सपा ने भी अपना प्रत्याशी इसी सीट पर उतारा है। 3 सीट पर कहीं ना कहीं अपना दल कमेरावादी ने ऐलान किया था, जिसमें से फूलपुर सीट एक शामिल है, इसके साथ साथ मिर्जापुर एक सीट शामिल है। और साथ ही साथ इस पूरी सूची में आपको बता दें कि जो 3 सीट है उनमें से एक यहां पर सीट जो है वो साफ हो पाई है, जिस सीट में कहीं ना कहीं कौशाम्बी का भी जिक्र किया गया है। तो एक ही सीट पर इंडी गठबंधन के बीच किस तरीके से यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसका क्या तोड़ होगा। ये